देखिए आज RLJD की तरफ से कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा खुद इस पार्टी में मौजूद हैं और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। बाद में चलकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का निधन हो गया, हमारे बीच से चले गए। उसके बाद उस समय जो एक भयकूम आया समाज में, बिहार की राजनीति में, उस भयकूम ने आज के नेता लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, इन सब लोगों ने मिलकर बिहार की उस वंचित जनता को भरोसा दिलाया कि आप हमारे साथ रहिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आपके सेनापति के रूप में आपके हक को लेकर लड़ते थे, अब उनके बाद हम लोग लड़ने का काम करेंगे। लोगों ने भरोसा किया, लोगों ने भरोसा किया और इसी का नतीजा था कि लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार जी उस समय उनके साथ खड़ा होते थे। पूरी जमात जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समय उनके नेतृत्व में चलती थी, पूरी जमात के लोग फिर उनके साथ चलने लगे। लेकिन फिर वहां भी धोखा हुआ, फिर धोखा हुआ उस जमात के साथ। कुछ ही दिनों के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन काल में उनके अंदर की जो जमात उनके विरोध में अंदर काम करती थी वह फिर से हावी होने लगी और इसी का परिणाम था कि नीतीश कुमार जी ने जब अपना कदम बिहार की राजनीति में वहां से अलग बढ़ाया, वह पूरी जमात धीरे धीरे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आ गई। और उतनी बड़ी ताकत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब महसूस करने लगी कि हम सब लोगों ने मिलकर जिसको अपना नेता चुना, बिहार का मुखिया चुना, जिस मकसद से चुना, चुनाव के समय जो वादा हमारे साथ हुआ, संघर्ष के समय जो बातें हमसे कही गई कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिस रास्ते पर चलकर आपको अधिकार दिलाने की बात करते थे उसी रास्ते पर चलेंगे, लेकिन लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ। और वैसे लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिसमें हम सब लोग शामिल थे फिर वहां से अलग कदम नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया, तो हम सब लोग साथ हो गए। आज तमाम वही जमात फिर से चिंतन में है और चिघार कर नीतीश कुमार जी से सवाल कर रही है कि नीतीश कुमार जी जिस वक्त आप अलग हो रहे थे लालू यादव जी से, उस वक्त पहला भाषण आपका क्या था। मीडिया के लोगों को याद होना चाहिए, पुरानी फाइल उलट कर देखिएगा, जब 14 सांसदों के साथ अलग हुए तब नीतीश जी ने पहली बार जो कहा यही कहा था कि हम बिहार को आतंक और पाखंड से मुक्त कराएंगे। तो सुना आपने किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि कर्पूरी के नाम पर ये लोग वोट ले रहे हैं, कर्पूरी के नाम पर जब ये लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया था तो हम लोग भी जुड़े थे, लेकिन हमें ठगा हुआ महसूस हो रहा है, हम लोगों को नीतीश कुमार ने धोखा दे दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।